इस वक्त अपडेट कर दूं रूपिका, हमें जल्दी बताइए रूपिका, इस वक्त अपडेट कर दूं आपको, खबर आ रही है कि एचडी देवगौड़ा पहुंच चुके हैं यहां पर। ये देखिए, इस वक्त ये काफिला जो रुका है आके, खबर ये आ रही है कि इस गाड़ी में एचडी देवगौड़ा बैठे हैं और वो यहाँ शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के लिए हर बीतते पल के साथ राहत वाली खबरें लगातार आ रही हैं। मैं ज़रा जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार उस गाड़ी में है कौन। हमें 5 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, शायद मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि इस गाड़ी में कौन है। क्योंकि वो निकल तो रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है। रूपिका एचडी देवगौड़ा ही है ये। कुछ टाइम पहले हमने तस्वीर देखी थी, पूजा अर्चना हो रही थी, बकायदा उनको प्रसाद दिया जा रहा था और वो निकल। तो ये क्या, तो ये प्रसाद और पूजा अर्चना ये प्रदर्शन के लिए, इस शक्ति के लिए? अमित, जयपाल, दोनों में से कोई भी, क्योंकि आप दोनों वहीं पर मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, अपना शक्ति प्रदर्शन विधानसभा के बाहर कांग्रेस और जेडीएस कर रही है। मौका अंदर नहीं मिला तो अब ये मौका बाहर भुनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, ऐसी स्थिति में और बड़ी दिलचस्प बात है रूपिका, कल पूरे दिन कुमार स्वामी मीटिंग करते रहे, एमएलए से मिलते रहे, वहाँ एचडी देवगौड़ा नहीं पहुँचे। वहाँ उनको या तो नहीं बुलाया गया या फिर उनको वहाँ बुलाने में किसी का इंटरेस्ट नहीं था, खुद उनके बेटे का इंटरेस्ट नहीं था शायद, कि कल वो पूरे दिन दिखे ही नहीं वहाँ जहाँ मीटिंग्स चल रही थी, जहाँ कल हम लगातार अपडेट कर रहे थे कि भाई एमएलएज कहाँ पहुँच रहे हैं, मीटिंग्स कहाँ हो रही हैं। वहाँ दिलचस्प यही रहा कि पूरे दिन एचडी देवगौड़ा नहीं दिखे। और आज देखिए, ये तस्वीरें बहुत 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 कुछ बयां कर रही है। अब देखना ये कि एचडी देवगौड़ा वहाँ जाकर मुलाकात किससे करते हैं, किससे पहले सलाम दुआ होती है, क्योंकि अब तो शक्ति है ना, बाकी सारी चीजें भुला दी गई है। सिद्धारमैया को जेडीएस से बाहर का रास्ता दिखाना भुला दिया गया है, वो एनिमोसिटी, वो नाराजगी, वो नफरत शायद भुला दी गई है, क्योंकि सत्ता, सरकार परमो धर्मा। धीरे धीरे तस्वीर जरा देखिएगा, हर सेकंड की तस्वीर बहुत अहम है रूपिका, मुझे बताइए ना, क्योंकि एचडी देवगौड़ा धीरे लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, वो कहाँ जाकर बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं? जहाँ लीडर्स बैठे हुए हैं, बट इसका एक अलग सा सिग्नल जाता है, खासकर वोकल एंगाज में, कि जिस तरह की बाइंडिंग हो रही है इन दोनों के बीच में, ये सिंबोलिज्म जो है इसका भी एक असर होता है साउथ में, असर होगा। आपको ये लग रहा है शहजाद, असर होगा इसका? नहीं, कुछ नहीं, एक असर ये हो रहा है कि जो लिंगायत पुत्र के, लिंगायतों के नाम पे राजनीति करने वाले आज लिंगायत पुत्र के खिलाफ होके उसको सीएम बनने से रोकना चाहते हैं, ये भी एक सिंबल जा रहा है। शुरुआत हुई कि लिंगायत नहीं थे, फिर हुई 8 से 3, 3 से 2, अब तो 117 से भी अधिक आ गए आपके रिपोर्टर कह रहे। अहम बात यह है कि अब सारे लोग इकट्ठा है, भाजपा हारने वाली है, जो लिंगायत और खड़गे साहब बात कर रहे हैं, देखिए सिद्धारमैया से, और ये एचडी देवगौड़ा किसके किसके साथ बैठे हैं, वो सामने बैठे सिद्ध खड़गे साहब के बाजू में। रूपिका देवगौड़ा साहब नमस्ते, देखिए सिद्धारमैया के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को नमस्ते किया, सिद्धारमैया ने उन्हें नमस्ते किया, उन्होंने नमस्ते किया, फिर एक शख्स आगे बीच में, फिर उनको पता लगा, रहे हटो भाई, फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये बात कर रहे हैं, ये देखिए बात हो रही है, तीनों नेता, खड़गे साहब अब बीच में नहीं है, अब वो सिद्धारमैया से एचडी देवगौड़ा बात कर रहे हैं, देखिए सत्ता है सर ये। और कभी भी सिद्धारमैया ने कभी भी देवेगौड़ा के बारे में पर्सनली कोई खराब चीज नहीं करी, कुमारस्वामी जी के साथ उनकी राइवल भी थी, लेकिन देवेगौड़ा के बारे पर्सनली उन्होंने कुछ कहा नहीं है, पॉलिटिकली कहा है, ये बात आपको जाननी चाहिए। लेकिन अहम बात ये, 117 से अधिक है अभी, अब ये साबित भी हो चुका है, अब तो आगे वो तो हम भी कह रहे हैं ना तहसीन के, बाकी सारी चीजें बुला दीजिए सबसे। फिर जो कल से मैं आपके चैनल पे कह रहा था, मैं कल से आपके साथ, मुझे सौभाग्य मिला है कल से आपके साथ रहने का, आप मुझे बोले, कल से मैं कह रहा हूँ वक्त आएगा, हम प्रूव करेंगे ये सारी व्हाट्सएप से, 12 तारीख से आप दावे कर रहे तहसीन, 130 130, तो अमित शाह सर ने भी किए थे दावे, वो तो अमित शाह सर ने भी किए थे दावे, तो अमित शाह सर ने भी किए थे ना दावे, तो अमित शाह सर ने भी किए थे ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, प्रूफ तो फ्लोर पे होगा।
ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं। तो कल हम भी प्रूफ कह रहे थे कि नहीं ये प्रूफ, वो झूठ फैला रहे थे कि आपके विधायक नहीं है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? पर पॉजिटिव है, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री तो है ना। थैंक यू सर। निनाद सेठ और तहसील जी, टीआर रामचंद्र शहजादपुरा, इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? वो प्रेम शुक्ला जी की मुस्कान जो बहुत कुछ छुपा भी रही है। मैं फिर से दोहराऊं, मैं एक बार फिर से दोहराऊं लाइन, प्रेम शुक्ला जी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अच्छा गम बताइए, खुशी बताइएगा।